हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास टेंथ का जो मैथ का चैप्टर है 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसकी एक्सरसाइज 8.2 उसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे इसका क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में से वैल्यू बतानी है। तो पहला क्या है, 2 tangent 30 डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30। और ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है साइन 60, सेकंड ऑप्शन है कोस 60 और थर्ड ऑप्शन है टेंजेंट 60 और फोर्थ ऑप्शन है साइन 30। तो यहाँ से आपको वैल्यूज बतानी, पहले हम वैल्यू लिखेंगे इसके, निकाल के देखेंगे इनकी वैल्यूज को, उसकी वैल्यू को मान इक्वल देखेंगे किसके इक्वल आएगा वो। तो देखो 2 tangent 30, यहाँ से टेंजेंट और 30 की वैल्यू है 1/√3, 1 प्लस टेंजेंट 30 का स्क्वायर, टेंजेंट 30 है 1/√3 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, इसको सिंपल सोल्व करेंगे 2/√3 और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3, तो ये क्या आया 2/√3, नीचे 3 एलसीएम लिया तो 3 + 1, तो ये आया 2/√3 और ये आएगा 4/3। तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, इसकी इसके साथ, तो 3 की 2 के साथ हुई तो 6 और यहाँ पे क्या आया 4/√3। तो यहाँ से देखो इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आया 2 × 2 = 4 और ये आया 3/√3। अब ऐसी वैल्यूज तो हमने देखी नहीं कहीं पे, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप इसे 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 × √3 के वो पूरा 3 हो जाएगा, तो ये आएगा 2/√3। तो ये कैंसिल हुआ, अब जो ये बचा क्या बचा, √3/2। तो अब यहाँ से हमने देखना है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन आ गया ए सही। अगर cos 60 की देखेंगे तो cos 60 की 1/2 होती है, लेकिन यहाँ पे तो √3/2 आया है। टेंजेंट 60 की देखेंगे तो वो √3 होती है, लेकिन हमारा √3/2 आया। ऐसे ही साइन 30 वाली भी होगी, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा साइन 60। अब हम चलते इसका सेकेंड पार्ट पे। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45। तो इसके जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है टेंजेंट 90, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है साइन 45 और फोर्थ ऑप्शन है 0। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से इक्वल होगा। तो 1 माइनस में टेंजेंट 45, टेंजेंट और 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो यह आया 1 - 1 और 1 + 1, तो यह आया 0/2। अब 0 के डिवाइड में कुछ भी हो तो वो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो यहाँ से जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका ऑप्शन होगा सही, डी इज इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। आपने वैल्यूज निकालनी है और ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा सही है। थर्ड में क्या है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन हमें गिवन है 0, उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमें गिवन है 30, उसके बाद है 45 और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है 60। दोनों की वैल्यू बतानी है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जो साइन 2a है वो 2 sin a के इक्वल आए। 1/1 रख के दिखाऊंगे मैं आपको, ए ऑप्शन है तो साइन 2a है और 2 sin a है ये वाला ना, तो a के प्लेस पे फर्स्ट में हम 0 रख के देखते हैं, ऑप्शन a साइन 2 × 0 उसके बाद 2 sin 0, तो 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो ये क्या आएगा साइन 0 और ये आएगा 2 sin 0। अब साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 0 और यहाँ पे भी साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होगी, तो 0 = 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो साइन 2 और 2 sin a कब इक्वल आया, जब इसकी वैल्यू 0 है। लेकिन अगर ये 0 लास्ट वाला ऑप्शन होता तो कैसे बताते, हम यहाँ पे 1/1 इनको डाल के देखेंगे कि एक वाला आएगा नहीं, एक वैल्यू और डाल के दिखा देती हूँ मैं, जैसे ये वाली है 45 डाल के देखें कि साइन 2 × 45 और 2 sin 45, तो यहाँ पे आया साइन 90 और ये आया 2 sin 45। अब साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2,
तो ये आया वन, ये आया टू अंडर रूट टू, तो ये इक्वल नहीं आया। ऐसे आपको वन बाई वन इन वैल्यूज को निकाल के देखना पड़ेगा। वो तो ठीक था कि जीरो था तो जीरो से ही इसकी वैल्यू निकलेगी, लेकिन आप बाकी के ऑप्शन भी सेटिस्फाई करके देख सकते हो, जैसे मैंने आपको एक ऑप्शन करके दिखाया है। उसके बाद हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या है, टू टेंजेंट 30, वन माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 30, और जो ऑप्शन है इसके, एक ऑप्शन है इसका, ए है cos 60, बी है sin 60, सी है टेंजेंट 60, और डी है साइन 30। ये वाले इसके ऑप्शन है, तो वन बाई वन हम देखेंगे। अब देखो, टू टेंजेंट 30, टेंजेंट और 30 की वैल्यू है 1/√3। 1 माइनस में टेंजेंट 30 का स्क्वायर, टेंजेंट 30 है 1/√3 का स्क्वायर, तो ऊपर क्या आया 2/√3, नीचे 1 माइनस में 1/√3 का स्क्वायर 3, तो ये 2/√3, और ये एलसीएम लिया तो 3 माइनस ये आएगा 2/√3 और 2/3, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, तो ये क्या आएगा 6/, इसकी इसके साथ हुई तो 6, इसकी इसके साथ हुई तो 2/√3, तो ये आया 3। अब मैं इसको 3/√3 है, लेकिन ऐसी कोई भी वैल्यू आपको टेबल में नहीं मिलेगी, तो 3/√3 है ना, तो मैं 3 को क्या लिख सकती हूँ, 3/√3 / √3, क्योंकि 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि वापस मल्टीप्लाई होगी तो 3 ही बनेगा, यहाँ पे ये कैंसिल हुआ तो वैल्यू आई 3। अब ऑप्शंस में से देखना है किसकी वैल्यू 3 होती है, cos 60 की वैल्यू नहीं होती, sin 60 की वैल्यू नहीं होती, sin 30 की भी वैल्यू नहीं होती, वो होती है टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है 3। तो यहाँ पे जो इसका सेकंड सम है वो भी कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके जो क्वेश्चन थर्ड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।